सुन रहे हैं दास्तान खौफ अनोखे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज इन हिंदी दास्तान खौफ में। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अपने चैनल पे लोगों के साथ घटी अलौकिक और रहस्यमयी घटनाओं को कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। आज की कहानी कुछ ज्यादा डरावनी हो सकती है, इसलिए छोटे बच्चों से आग्रह है कि अकेले बिल्कुल भी इस कहानी को ना सुनिएगा, और जिनको रात के समय ऐसी कहानियों या बातों से डर या उसका आभास होने लगे तो बस आपके जो प्रिय भगवान हैं उनको याद कीजिए और इस कहानी को सिर्फ मनोरंजन के माध्यम से सुनिए, ताकि अगर डर भी लगे तो उसे वहम समझकर आगे बढ़ते जाए। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। जय बजरंग बली, हर हर महादेव। उस रात काफी बारिश हो रही थी। रामनगर स्टेशन पे मैं अकेला बैठा ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। मुजफ्फरपुर के ठीक पहले स्टेशन चकिया जाना था। जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहीं मेरी सुमित से दोस्ती हो गई थी और उसी के बेटे की अन्नप्राशन होने वाली थी। अब दोस्त का पहला बेटा और बीते साल उसकी बहन की शादी भी काम के कारण अटेंड नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार सुमित के बार बार कहने के कारण मैं उसे मना नहीं कर पाया था। और इसी दिन मौसम का भी बिगड़ना था, बारिश इतनी तेज कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रह रह के बिजली की जोरदार कोंधी से मेरा दिल दहल जा रहा था। तभी ट्रेन धीमी रफ्तार से चलते हुए स्टेशन पे आके रुकी। बारिश के चलते एक तो ट्रेन लेट आई और दूसरी बात, जैसे भी करके मुझे चकिया रात तक पहुंचना ही था, क्योंकि चकिया से शीतलपुर जाना था मुझे, और देर रात तक अगर पहुंचता तो शायद ही वहां पे पहुंच पाता, क्योंकि अगले ही दिन सुबह से ही सारे कार्यक्रम शुरू होना था। यही चिंता मुझे सताए जा रही थी, अगर देर हुई तो वहाँ चकिया में कोई जान पहचान भी नहीं है और पब्लिक टेलीफोन बूथ का कोई ठीक नहीं रहता, कभी भी फेल हो जाता है। ऐसे में सुमित को कैसे स्टेशन बुला पाता? अभी मैं सोच ही रहा था कि तभी ट्रेन धीमी रफ्तार से स्टेशन पर आकर रुक गई थी। ये आखिरी ट्रेन थी, इसलिए जितने भी मुसाफिर थे धक्का मुक्की करते हुए लगे ट्रेन में चढ़ने। उफ, लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होता, भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में चढ़ते जा रहे थे। किसी को भी थोड़ा सा भी इंतजार या बर्दाश्त करने का समय नहीं था। अरे भाई, अगर लाइन में भी लगकर ट्रेन में चढ़े तो जितना समय धक्का मुक्की करके चढ़ रहे हैं उससे पहले ही चढ़ जाए। खैर, मैं भी कौन सा मानने वाला था, मैं भी भीड़ को चीर कर तुरंत बोगी में घुस गया, क्योंकि एक तो लंबा सफर था और अगर सीट ना मिली तो खड़े होकर ही सफर तय करना पड़ता। जल्दी से मैंने अपना एक सीट सुरक्षित करके उस पे बैठ गया। थोड़ी ही देर में ट्रेन हॉर्न देकर आगे बढ़ने लगी। बारिश भी अब धीमी हो चुकी थी। एक दो यात्री मेरे पास में ही बैठकर देश में क्या चल रहा है इस बारे में बात कर रहे थे। उनकी बात सुनकर बीच बीच में मुझे हंसी भी आ रही थी। ट्रेन ही एक ऐसी जगह है जहां आपको नेता, डॉक्टर, एक्टर सब एक जगह ही मिल जाएंगे। उनकी बातें सुनते सुनते मुझे थोड़ी बहुत उबासी आने लगी। मैं अपने आप को ताजा करने के लिए खिड़की के बाहर देखने लगा। बारिश के कुछ बूंदे चेहरे पर पड़ने के कारण थोड़ी सी ताजगी आई। घड़ी में टाइम देखा तो करीब 6 बज चुकी थी और ट्रेन अभी भी रफ्तार नहीं पकड़ी थी। मैंने एक यात्री से पूछा, भाई साहब, ये ट्रेन चकिया कब तक पहुंच जाएगी? वो यात्री पहले मुझे थोड़ा घूरा और बेअदब भाषा में बोला, हैं, इसी रफ्तार में चली
तो 10 बजे तक पहुंच ही जाओगे। साला ट्रेन में बैठे हैं या बैलगाड़ी, कुछ समझ में नहीं आता। बेकार ही आज घर से निकला। उनकी भाषा और गाली गलौज का कारण मुझे अच्छे से समझ में आ रहा था, क्योंकि गुस्सा मुझे भी आ रहा था। एक तो ट्रेन लेट और ऊपर से चींटी जैसी चाल। मैं फिर से खिड़की की तरफ मुड़ने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र एक 60 से 70 साल के बुजुर्ग पे गई। वो मेरी तरफ लगातार देखे जा रहे थे। उनका मेरी तरफ लगातार देखे जाने के कारण मैं थोड़ा झेप सा गया और सकुचाई आवाज में उनसे पूछा, दादाजी क्या आप मुझे जानते हैं? वो बुजुर्ग इंसान मेरी तरफ देखते हुए बोला, नहीं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन हैरान हूँ कि चकिया जाने के लिए ये ट्रेन ही क्यों पकड़ी। सुबह वाली ट्रेन से चल जाते, वहाँ जाते जाते रात हो जाएगी और वहाँ रात के समय सवारी मिलेगा नहीं। मैं थोड़ा परेशान होते हुए उनसे बोला, दोस्त के यहाँ जा रहा था, उसके बेटे की अन्नप्राशन में, जॉब खत्म करके ही निकला था इसलिए लेट हो गया। जैसे भी करके मुझे सुबह तक पहुँचना ही है, अब शीतलपुर कैसे जाऊँगा मैं? मेरी बात सुनकर वो बुजुर्ग इंसान बोले, बेटा तुम्हारे दोस्त ने नहीं बताया कि चकिया के पास कैसी घटनाएं हो रही हैं? रात के समय सवारी नहीं मिली तो मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं थोड़ा अचंभित होकर उनसे पूछा, कौन सी मुसीबत और कैसी घटनाएं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या कोई चोर डाकू का मामला है? मेरी बात सुनकर वो बुजुर्ग इंसान थोड़ा मुस्कुराए और मेरे एकदम पास आकर बोले, चोर डाकू होते तो लूटपाट करके छोड़ देते, वहां कोई तीसरी शक्ति का ही मामला है। उनकी बात सुनकर मुझे जोर की हंसी आ गई। क्या दादाजी, आप भी, मुझे तो आपने डरा ही दिया था। तीसरी शक्ति मतलब कि भूत प्रेत? आज के जमाने में भूत ये सब कुछ होता नहीं है, वो सब आपके जमाने की बातें हैं। वो बुजुर्ग दादाजी मेरी बात सुनकर मुझसे थोड़ी गंभीर भाव में बोले, बेटा मानना या नहीं मानना ये हमारे हाथ में होती है। जमाना चाहे कोई भी हो, अदृश्य शक्ति कभी खत्म नहीं होती। मेरा तुमसे एक ही सलाह है, अगर चकिया में सवारी नहीं मिली तो रात स्टेशन पे ही बिता देना, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं इन सब फिजूल बातों में बिना बहस के चुपचाप खिड़की की तरफ सरककर बाहर देखने लगा। बारिश अभी भी कभी रुकती तो कभी और बढ़ जाती। बिन मौसम के बरसात अगर आ जाए और आपको किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना हो तो ऐसे में सुहानी मौसम भी आपकी दुश्मन लगने लगती है। ठीक वैसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। रह रह के बारिश की तरफ देख दांत पीस ले रहा था। लगभग 2.5 घंटे में बापूधाम मोतिहारी स्टेशन आया। देखते ही देखते आधे से ज़्यादा यात्री इस स्टेशन पर उतर गए। पूरी आधी बोगी खाली हो गई। इस स्टेशन का नाम बापूधाम मोतिहारी इसलिए पड़ा क्योंकि आज़ादी की पहली लड़ाई यहीं से लड़ी गई थी। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण यानी कि मोतिहारी आकर किसान आंदोलन शुरू किए थे। मैं अब एक सीट पर पैर पसार के आराम से लेट गया। ट्रेन खुली और मैं थोड़ी देर के लिए आँख बंद करके झपकी लेने लगा। लगभग आधे घंटे बाद मेरी नींद खुली तो मैंने एक यात्री से पूछा, भाई साहब कहाँ पहुँचे हैं, चकिया पहुँच गया क्या? वो महाशय अपनी मूँछों पर ताव देते हुए बोले, अभी कहाँ, पिपरा पहुँचने वाले हैं, आधा घंटा और लगेगा, तब तक और आराम कर लीजिए। मैंने सोचा कि आधा घंटा ही तो है। घड़ी में टाइम देखा तो 8:30 बज रही थी, मतलब कि मैं 9 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगा। मैंने फिर उस यात्री से पूछा कि चकिया से शीतलपुर जाने के लिए कोई सवारी मिल जाएगी क्या अभी? उन्होंने उसी बुजुर्ग इंसान की तरह चौंकते हुए मुझसे बोला, क्या बोला, शीतलपुर? वहाँ से तो 8 किलोमीटर है, मुझे लगा था आपको चकिया ही जाना है। मैंने पूछा, क्यों, शीतलपुर जाने में कौन सी दिक्कत है? उन्होंने कहा कि दिक्कत है, वही तो दिक्कत है, उस रास्ते जाने के लिए सवारी 8 बजे तक ही मिलेगी। भाग्य अगर ठीक हो तो अभी भी मिल सकती है, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। मैंने फिर से पूछा,
क्या क्या दिक्कत, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? मैं अब जोर से हंस दिया। रहने दीजिए, समझ गया क्या कहना चाहते हैं। वो इंसान मेरी तरफ बस गुस्से में दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे खा ही जाएगा। खैर, जाहिर सी बात है, अगर कोई बिना जान पहचान वाला इंसान आपकी मदद करना चाह रहा हो और उसके बाद आप बीच में ही काटेंगे तो उसे गुस्सा आएगा ही। मैं भी चुपचाप दूसरी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर में ही पिपरा स्टेशन आ गया और वो इंसान उठकर मेरे पास आया और मुझसे बोला, जरा बच के और सावधान रहना, भगवान तुम्हारी मदद करे। इतना कहकर वो इंसान ट्रेन से उतर गया। मैं उसकी तरफ एकटक देखता रहा जब तक वो मेरी आंखों के सामने से ओझल ना हो गया। ट्रेन की सीटी से मेरी तंद्रा भंग हुई और मैं अपने सामानों को समेटने लगा, क्योंकि अगला स्टेशन चकिया ही था। धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड धीमी हुई और स्टेशन आ गया। अभी मैं ट्रेन से उतरता उससे पहले जितने भी यात्री बचे थे धक्का मुक्की करते हुए फिर से ट्रेन से उतरने लगे और जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर निकल गए। मैं अभी कुछ सोचता एक मिनट में ही पूरा स्टेशन खाली हो गया। मैं अपने आप को और बैग को कंधे पर संभालते हुए स्टेशन से बाहर निकला। एक तो बारिश का दिन और ऊपर से अंधेरी रात, स्टेशन के बाहर मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। पहली बार आया था इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाऊं। मैं फिर से वापस स्टेशन की तरफ आया और वहां किसी की मदद के लिए पुकारने लगा। थोड़ी दूरी पे कोई अधेड़ उम्र का इंसान कुछ साफ सफाई कर रहा था। मैं उनके पास में गया और उनसे बोला, दादाजी शीतलपुर जाने के लिए किधर से सवारी मिलेगी? वो मेरी तरफ देखते हुए बोले, अच्छा शीतलपुर जाना है, लेकिन अभी तो सभी सवारी चली गई, आपको रात यहीं पे बितानी पड़ेगी। मैं अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बोला, लेकिन मुझे कल सुबह तक वहाँ जाना ही है। वो इंसान बोला कि चलिए जाइए स्टेशन के दाई तरफ, कुछ तांगा वगैरह शायद मिल जाए, आपकी किस्मत। मैं तांगा की नाम सुनकर तुरंत उनको धन्यवाद दिया और स्टेशन से बाहर निकल दाई तरफ रोड की तरफ मुड़ गया। कुछ ही दूरी चलने के बाद मुझे एक बहुत ही पुरानी तांगा दिखी जिसपे कोई इंसान काली चादर ओढ़े बैठा था। मैं तांगे के पास में जाकर उनसे बोला, भाई साहब शीतलपुर चले गए? वो इंसान खांसते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं चलेंगे, बैठिए आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर तुरंत ही टांगे के पीछे अपना सामान रखकर बैठ गया। टांगा इतना पुराना था कि ऊपर से प्लास्टिक में छेद हो गया था जहाँ से पानी रिस रिस के नीचे गिर रहा था। मैं अपने आप को पानी से बचाते हुए जहाँ पानी नहीं गिर रहा था वहाँ सरकते हुए तांगे वाले से बोला, भाई साहब तांगा क्यों ठीक नहीं कराते, जगह जगह से पानी रिस रहा है। वो इंसान खी खी करते हुए बोला, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, काफ़ी दिनों के बाद ही आपके जैसा कोई सवारी मिली है, वरना ऐसे ही कोने में तांगा पड़ा रहता है। मैं एकदम चकित होकर बोला, पड़ी रहती है क्या मतलब, सवारी तो हमेशा मिलती होगी स्टेशन पे। मेरी बात सुनकर वो इंसान थोड़ा अजीब तरह से हंसा और बोला, रहने दो साहब, आप नहीं समझोगे, आप बस सवारी का आनंद लो। उसकी बात सुनकर मैं चुपचाप बाहर की तरफ देखते हुए उसके बारे में सोचने लगा। अजीब इंसान है, जिस चीज़ से कमाता है उसी को ठीक नहीं करता, और तो और घोड़ा भी देखो कैसे मरियल जैसा सूख सा गया है, और ऊपर से ये घोड़े पे सटाक सटाक करके मारते हुए टांगे को दौड़ा रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो तांगा वाला एक छोटे से चाय की टपरी के सामने रुका और मुझसे बोला, चलिए साहब बरसात है पहले चाय पी लेते हैं और उसके बाद सफ़र करने में मज़ा ही आ जाएगा। मैंने मना करते हुए कहा, भाई लेट हो जाएगा और अभी रात भी हो चुकी है। लेकिन वो तांगे से उतरा और जोर से टपरी के पास आवाज़ लगाया,
अरे रमेशवा, बाहर निकल, हमेशा सोता रहेगा क्या? देख मेहमान लाया हूँ। उधर से फिर से किसी की खांसते हुई आवाज आई और खांसते खांसते बोला, कहाँ सोया हूँ, तेरा ही तो इंतजार कर रहा था, इतने दिन बाद मेहमान लाया। ये सुनकर वो इंसान हंसते हुए बोला, अरे सवारी ही नहीं मिलती रात को। और वो हंसते हुए अंदर ही एक छोटे से कुर्सी पे बैठ गया। दोनों धीरे धीरे कुछ बात कर रहे थे, कान लगाकर ध्यान से सुनने की कोशिश किया, लेकिन साफ साफ कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस अजीब तरफ से हंसने की और खांसने की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे थोड़ा अजीब और डर लगा कि कहीं ये दोनों डाकू तो नहीं। मेरे मन में थोड़ा डर सा बैठ गया, अपने आप को पूरी तरह से किसी खतरे के आने के लिए तैयार कर लिया था कि अगर कुछ भी हुआ बैग से ही सालों को मारूंगा। तभी वो तांगे वाला एक छोटे से मिट्टी के कप में चाय लाया और मुझे देकर बोला, पी लो साहब, इसकी हाथ की चाय जिंदगी भर याद रखोगे। मेरा मन और भयभीत उठा, मन में ख्याल ये आ रहा था कि कहीं इस चाय में नशे की गोली ना मिला दी हो। मैंने थोड़ा सकुचाई आवाज में बोला, जी जी नहीं, मैं चाय नहीं पीता। वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा भयभीत हो रहे हैं आप, कोई बात नहीं मत पीजिए, अभी तो शुरुआत है। मैं चौंक के उससे पूछा, क्या शुरुआत है मतलब, हाँ तुम डाकू या चोर हो क्या जिससे मैं डरूंगा? वो फिर से खी खी करके हंसा और बोला, नहीं साहब मजाक कर रहा था, चलिए अब आगे चलते हैं। मेरा मन किया कि तांगे से ही उतर जाऊं, लेकिन फिर मन में आया कि इस सुनसान और अंधेरी रात में जाऊंगा कहाँ और मुझे रास्ता भी नहीं मालूम, इसलिए मैं चुपचाप तांगे पे ही बैठा रहा। वो तांगे वाला चाय खत्म करके फिर से उसी बेदर्दी से घोड़े को मारते हुए लगा तांगा भगाने। घड़ी में टाइम देखा तो रात के 10 बज चुके थे। मैंने उससे पूछा, और कितना टाइम लगेगा शीतलपुर जाने के लिए? मेरी बात सुनकर बोला, क्यों साहब इतनी जल्दी ही क्या है, अभी समय ही क्या हुआ है। मेरी अब बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो रही थी। मैंने थोड़ा गुस्साते हुए उससे बोला, भाई मुझे जल्दी पहुंचना है और आपको क्या मतलब कितना भी टाइम हुआ हो। वो मेरी बात सुनकर फिर से अजीब तरीके से हंसते हुए बोला, अरे साहब बुरा क्यों मानते हो, बस थोड़ी देर में ही आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मुझे लगा कि अब इससे ज्यादा बहस करना सही नहीं होगा, इसलिए मैं शांत रहा। लगभग आधे घंटे ऐसे ही मैं चुपचाप बैठा रहा, लेकिन अभी तक शीतलपुर नहीं आया था। मैंने उससे फिर पूछा कि भाई साहब कब तक पहुंचेंगे, लेकिन इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि हर बात पे ताने देने वाला इंसान इस बार चुप क्यों है। मैं उससे फिर पूछा, भाई क्या हुआ बताओ तो। फिर से कोई जवाब नहीं आने पे मैं उसकी तरफ बढ़कर उसे झकझोरने लगा, लेकिन ये क्या, जैसे ही मैंने उसे छुआ मानो मेरी हाथ किसी हड्डी से टकराई, शरीर में कोई मांस नहीं, जो चादर उसने ओढ़ा रखा था उससे बाहर से ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा था। मैं झटके से अपना हाथ पीछे किया, मुझे लगा कि हो सकता है कि कुछ लोहे का रखा हुआ हो, इसलिए मैं फिर से इस बार उठकर उसके चेहरे की तरफ आगे होकर देखने की कोशिश किया। जैसे ही मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा मेरे पूरे शरीर में बिजली से कोंद गई, उसके पूरे चेहरे पे मांस था ही नहीं, सिर्फ कंकाल था। मैं झटके से पीछे हटकर अपना बैग उठाया और तांगे से ही छलांग मार दिया। वो कंकाल तांगे को रोक कर लगा जोर जोर से हंसने, उसके खौफनाक हंसी की आवाज पूरे शांत वातावरण में कौंद सी गई। अचानक मेरी नजर तांगे पे लगी घोड़े पे गई, ये क्या, घोड़ा भी पूरा का पूरा कंकाल बन चुका था। ये देखकर मैं लगा दूसरी दिशा की तरफ भागने, वो कंकाल लगा जोर जोर से तांगे को मेरी ही तरफ भगाने और पीछे से अजीब आवाज में बोला, साहब
भाग क्यों रहे हैं? चलिए आपकी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। मैं बस अपनी आंखें बंद किए लगातार भागे जा रहा था। अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं किधर भाग रहा हूँ। बस आंख बंद किए लगातार भागे जा रहा था। वो तांगे वाला कुछ दूर तक मेरा पीछा करते हुए बोला, साहब कहाँ तक भागोगे? सब जगह मेरे मेहमान ही है। थोड़ी दूर पे ही मुझे कुछ रोशनी दिखाई दी। मुझे लगा शायद कोई पास में ही गांव है। मैं पूरी ताकत लगाकर रोशनी की तरफ भागने लगा। बार बार पीछे देखते जा रहा था। वो तांगे वाला अब थोड़ा पीछे हो गया और दूर से ही शैतानी हंसी हंसते जा रहा था। मुझे थोड़ा साहस मिला। मैं एक बार फिर पूरी ताकत लगाकर उस रोशनी के पास जहाँ पहुँचा, वहाँ जाके देखा तो कुछ लोग चौपाल पे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। शायद पास में ही कोई गांव था। मैं हाँफते हुए उन लोगों से पूछा, चाचा यहाँ से शीतलपुर कितनी दूर है? उनमें से एक बुजुर्ग इंसान बोले, यहीं तो है, बस बगल वाला गांव 1.5 किलोमीटर होगा। ये सीधा रास्ता चले जाइएगा, बस अगला गांव ही शीतलपुर है। मैं अब राहत की सांस लेते हुए बोला, चलो भगवान का शुक्र है बाल बाल बचा। मेरी बात सुनकर वो बुजुर्ग मुझसे जल्दबाजी में पूछे, कहाँ से आ रहे हैं और किसके घर जाना है? मैंने कहा कि चकिया से आ रहा हूँ, सुमित जायसवाल के घर जाना है। उनके घर बेटे की अन्नप्राशन है ना? वो बुजुर्ग इंसान चकिया का नाम सुनकर एकदम चौंक कर बोले, क्या बोले, चकिया से आ रहे हो? क्या क्या चीज़ से आए हो यहाँ तक? मैंने डरते हुए कहा, मत पूछिए, कोई तांगे वाला था, बाद में उसका पूरा शरीर कंकाल का बन गया। मेरा इतना कहते ही जितने लोग भी वहाँ बैठे थे सब वहाँ से उठ खड़े हुए और एक एक करके भागने लगे वहाँ से। भाग रे, ये कलुआ के तांगे पे बैठकर आया है। जाते जाते उसमें से एक इंसान मुझसे बोला, रमेश्वरवा की चाय तो नहीं पी? मैं हड़बड़ा कर बोला, नहीं नहीं कोई चाय नहीं पिया। वो बोला, इसलिए बच गए महाशय। बस इतना कहकर वो वहाँ से भी गायब हो गया। देखते ही देखते एक ही मिनट में पूरा चौपाल खाली हो गया। मैं अब और ज़्यादा डरने लगा कि अब क्या मुसीबत बाकी है। मन ही मन उस तांगे वालों को याद करके मेरा पूरा बदन सिहर जा रहा था। मेरी नज़र चौपाल पे गई जहाँ एक टॉर्च गिरी हुई थी। मेरे मन में थोड़ी हिम्मत आई, कम से कम रोशनी तो रहेगी अभी। मैं भगवान को याद करते करते उस बुजुर्ग के द्वारा बताए गए रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। अभी थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा था कि तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। हड़बड़ाकर मैंने टॉर्च पीछे की तरफ चलाई तो देखा कि कुछ काले काले परछाई जैसे इंसान कुछ दूरी पे खड़े थे। मेरी हालत अब और ज़्यादा खराब होने लगी। अपने आप को संभालते हुए जोर से आवाज लगाया, कौन है? मैं एक पंडित हूँ और हनुमान जी का सच्चा भक्त हूँ, पास में आओगे तो भस्म कर दूंगा। लेकिन मेरा इतना कहने के बावजूद भी वो काले काले परछाई अपनी ही जगह पे खड़े रहे। मैं अब अपनी पैरों को झटका के चलने लगा। बार बार मैं पीछे मुड़कर देखता लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही थी। जैसे ही मैं रुकता मुझसे थोड़ी दूर पे ही वो भी रुक जाते और जैसे ही मैं चलने लगता वो भी मेरा पीछा करने लगते। सच बताओ उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, शायद भगवान ही मुझे उन सभी से बचा सकते थे। मैं मन में जय श्री राम जय हनुमान लगातार बोले जा रहा था। थोड़ी दूर भागने के बाद मुझे सामने से 2-3 इंसान आते हुए दिखाई दिए। मैं दौड़ते हुए उनके पास जाकर बोला, भाई बचा लो, मुझे इनसे बचा लो। उनमें से एक इंसान मेरी तरफ देखते हुए बोला, किससे बचा लो, कौन है, कोई दिक्कत है क्या आपको? मैं पीछे इशारा करते हुए कहा, उन सभी से। लेकिन वो हंसते हुए बोला, अरे पीछे कोई नहीं है, भांग वांग खाए हैं का? मैं पीछे मुड़कर देखा तो सच में वहाँ पे कोई नहीं था। बार बार आंखों को मलते हुए देखा लेकिन अब वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था।
मैं हड़बड़ाकर उनसे पूछा, ये कौन सा गांव है, शीतलपुर है क्या? उसने मुस्कुराते हुए बोला, अरे हाँ भाई, शीतलपुर ही है, किसके घर जाना है? मैंने जल्दबाजी में उत्तर दिया, सुमित के यहाँ, सुमित जायसवाल। वो दोनों बोले, अच्छा जायसवाल जी के मेहमान हैं, पहले सांस लीजिए, डरिए मत, चलिए आपको उनके घर तक छोड़ देते हैं। मैंने उन दोनों का शुक्रिया किया और उनसे आगे आगे एकदम सट के चलने लगा। उनमें से एक इंसान मुझसे पूछा कि आप इतना डरे हुए क्यों हैं और कहां से आ रहे हैं? मैंने सोचा कि अगर चकिया वाली बात फिर इन दोनों को बताया तो कहीं ये भी भाग नहीं जाए, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। अरे बाहर टहलने गया था, खेत में कुछ दिखा तो डर लग गया और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो रास्ता भी भटक गया। वो दोनों मेरी बात सुनकर हंसने लगे, ये बैग लेकर खेत में? मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मैं उन दोनों के सामने झेंक सा गया। वो दोनों फिर से हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, शर्मिंदा मत हुई, शायद आपको बताना नहीं होगा। मैं चुपचाप उनके साथ चलने लगा। थोड़ी ही देर में वो दोनों एक मकान के सामने खड़े होकर सुमित का नाम लेकर बुलाने लगे। बाहर जैसे ही सुमित आया, मुझे देख तुरंत नीचे आकर आश्चर्य से बोला, भाई तू इस वक्त? वो दोनों हंसते हुए बोले, संभालिए अपने मेहमान को, शायद किसी चीज से डरे हैं। हंसते हुए वो दोनों वहां से निकल गए। सुमित मुझसे बोला, भाई तू इतनी रात को किस चीज से आया यहाँ पे? मैंने गहरी सांस भरते हुए बोला, भाई कुछ मत पूछ अभी, चल मुझे पानी पिला, सब बताता हूँ। इतना कहकर मैं उसके साथ घर के अंदर चला गया। सबसे भेंट मुलाकात करने के बाद फ्रेश होकर खाना खाकर मैं और सुमित छत पे टहलने चले गए। सुमित मुझसे पूछा, भाई बता क्या हुआ, कोई दिक्कत हुई आने में? मैंने उस पर गुस्साते हुए बोला, दिक्कत? यहाँ पे मेरी जान पे आफत बन गई थी और तुझे सिर्फ दिक्कत दिखाई दे रहा? वो मुझसे बोला, अरे भाई बताएगा पहले क्या बात हो गई ऐसा? मैं उसे शुरू से लेकर पूरी कहानी बताते चला गया। वो तांगे वाला का नाम सुनकर एकदम चौंक गया और मुझ पे हंसते हुए बोला, अरे भाई कलुआ तांगे वाला बीते 6 महीने पहले ही बिजली के तार गिरने से मर गया था, उसके साथ साथ उसका घोड़ा और एक चाय वाला जो बचाने गया था वो भी उसी तार में सटकर मर गया था। तुझे शायद कोई वहम हुआ है या शायद मैंने इस घटना का जिक्र तुझसे पहले किया होऊंगा, वो सब तेरे मन का वहम होगा। इतना बोलकर वो जोर जोर से लगा हंसने। मैंने कहा, अच्छा तो वो काले काले परछाई जैसे वो सब क्या थे? वो फिर से मेरा मजाक बनाते हुए बोला, अरे भाई मैंने बोला ना, जब एक बार मन में डर बैठ जाए ना, उसके बाद पेड़ की पत्तियां भी डरावनी ही लगती है। मैं उसकी तरफ एकदम गंभीर होकर बोला, हाँ भाई सब कुछ वहम ही था और मैं यहाँ साक्षात तेरे सामने खड़ा हूँ, इतनी रात को ये भी मन का वहम ही है। मैं भी पहले हंसा था इन सभी बातों पे, लेकिन अब मेरी अक्ल ठिकाने आ गई। वो मेरी बात सुनकर बोला, भाई तू चल सो जा, अभी बहुत थक गया होगा, कल सुबह ही प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। मैं उससे बिना बहस किए ही चुपचाप उसके बताए कमरे में सोने चला गया। रात भर वही सब घटनाएं मेरी आंखों के सामने तैरती रही। सुमित की बातें सुनकर मुझे सारा माजरा समझ में आ चुका था कि वो तांगे वाला कंकाल जैसा क्यों था, बिजली की झटके से उसका पूरा खून सूख गया होगा और उसके साथ साथ घोड़ा भी चिपक के मर गया होगा, इसलिए वो घोड़ा भी शुरू से मरियल जैसा लग रहा था, और वो चाय वाला जो मेहमान का बात कर रहा था, इसका मतलब मुझसे पहले भी वो कई लोगों का शिकार कर चुके होंगे, और मेरे पीछे पीछे जो काली काली परछाई थी वो सभी उन्हीं के शिकार होकर आत्मा बन गए होंगे। यहीं सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह सुमित की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुली और मैं जल्दी जल्दी फ्रेश होकर उसके बेटे की अन्न प्राशन में शामिल हो गया। खाना खाकर प्रोग्राम ये सब खत्म करके 2 दिन उसके घर पे ही रहा।
और सुमित के साथ ही वापस अपनी जॉब के लिए निकल गया। हम दोनों को सुमित के साइकिल से उसके चाचा के बेटे ने चकिया स्टेशन छोड़ दिया। आते वक्त मुझे इतना डर तो नहीं लगा, लेकिन वो सभी घटनाएं मेरे ना चाहते हुए भी मेरी आंखों के सामने तैरने लगा। यही सोचकर मेरी रूह कांप जा रही थी कि इन्हीं रास्तों में मुझे उन सभी अतृप्त आत्माओं से सामना हुआ और मैं कैसे बच गया ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।